गुड मॉर्निंग क्लास 9th. एज यू नो दैट नाउ डेज वी आर डूइंग दैट हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मास परसेंट. ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वन, दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर required to make 250 gram of 25% solution of glucose. Students, हमें question में mass of solution given है, that is 250 gram और percent भी हमें already given है. हमें calculate करना है mass of solute यानी कि glucose और mass of solvent यानी कि water. Okay? So as you know that the formula, that is mass of mass percentage of solution equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. Okay, that is a formula. अब हम इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों. सी, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमें गिवन नहीं है, ग्लूकोज का मास, सो वी विल कंसिडर इट एक्स. इज इट क्लियर? जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों हमारा 250 ग्राम. सो वी विल राइट हियर 250 ग्राम इंटू 100. बच्चों देखिए, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 25. सो वी विल राइट हियर 25 इक्वल टू. इज इट क्लियर? नाउ कैलकुलेट इट, कैंसिल आउट जीरो. ओके, एंड एक्स इंटू 10 इक्वल टू 25 इंटू 25. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, एक्स को आप लेंगे एलएचएस में, इक्वल टू 25 इंटू 25 और ये 10 आ जाएगा डिवाइड में, एंड 25 इंटू 25 होता है आपका 625. ओके, एंड 10 इक्वल टू, सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज 62.5 ग्राम. ओके, सो ये आपका क्या है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है. और एक्स क्या है हमारा, मास ऑफ ग्लूकोज, राइट? यानी कि हमें सॉल्यूट का जो मास है एक्स, वो हमें यहाँ पे फाइंड हो चुका है. अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें अब वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास भी फाइंड करना है. ओके, सो सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का भी मास है और सॉल्यूट का भी मास है. तो अगर हमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास पता करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज. ओके, सो ये है आपका सॉल्वेंट. ओके, सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 250. ओके, एंड माइनस मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 62.5. ओके, 62.5. ओके, इसे कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज 187.5 ग्राम. ओके, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है, वाटर है, उसका भी जो मास है वो भी हमें फाइंड हो चुका है, दैट इज 187.5 ग्राम. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ.